नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A22 5G versus Poco X4 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A22 5G में 6.58 इंच जबकि X4 Pro 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A22 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो A22 5G में 3.01 इंच जबकि X4 Pro 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A22 5G में 0.35 इंच जबकि X4 Pro 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A22 5G में 203 ग्राम जबकि X4 Pro 5G में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A22 5G में TFT जबकि X4 Pro 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A22 5G में 6.6 इंचेस जबकि X4 Pro 5G में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A22 5G में 1080x2408 और X4 Pro 5G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A22 5G में 82.33% जबकि X4 Pro 5G में 86.01% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A22 5G में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि X4 Pro 5G में 395 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A22 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और X4 Pro 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A22 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और X4 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A22 5G में Mali G57 MC2 जबकि X4 Pro 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A22 5G में MediaTek Dimensity 700MP6833 और X4 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो A22 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A22 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A22 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,149 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,150 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें X4 Pro 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी A22 5G में 5 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको X4 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X4 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में X4 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में A22 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा शाओमी MI 11i है, तीसरा गूगल पिक्सल 6 प्रो 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।